तेजस्वी यादव, अब अंतिम चरण का चुनाव है, अपनी जुबान खोलिए, गुनाहगार कौन? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार, आपके साथ मैं हूं दिव्या। लोकसभा चुनाव 2024 के सातवें और आखिरी चरण के प्रचार का शोर गुरुवार शाम यानी कि आज थम जाएगा। इस चरण में बिहार की शेष 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। इस चरण के लिए 1 जून को मतदान होना है। इस चरण में नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। इन 8 लोकसभा सीटों में से 3 सीटें काराकाट, बक्सर और जहानाबाद में त्रिकोणीय लड़ाई है। इस बीच जनता दल यूनाइटेड ने सातवें चरण के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में हुए नरसंहार को लेकर आरजेडी को घेरने की कोशिश की है। मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन नरसंहारों की घटनाओं का जिक्र है जो लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में हुए थे। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव से जवाब मांगा है। इसको लेकर जेडीयू प्रवक्ता ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें लालू और रावरी के शासनकाल में हुए 118 नरसंहार का जिक्र किया गया है। इसके माध्यम से वो इन 8 लोकसभा क्षेत्रों में हुए 88 नरसंहार में 674 लोगों की मौत का दावा किया है। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव से माता पिता के शासन में हुए कांड का हिसाब मांगा है। साथ ही दावा किया है कि जनता इस बार आरजेडी से राजनीतिक संहार के लिए तैयार है। नीरज कुमार के मुताबिक जहानाबाद में 26 नरसंहार हुए, उसमें से 285 लोगों की मौत हुई है। सासाराम में 5 नरसंहार हुए और 22 लोगों की मौत हुई है। आरा में 31 नरसंहार हुए और 188 लोगों की जान गई है। बक्सर में 2 नरसंहार में 16 लोगों की मौत हुई है। पटना में 15 नरसंहार हुए और 96 लोगों की मौत हुई है, जबकि नालंदा में 4 में से 16 लोगों की मौत हुई है। खैर, आप खुद सुनिए नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है। इंडी गठबंधन के नेतागण दे जवाब, 118 नरसंहार बिहार में, उसमें जिन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव होना है वहां 88 नरसंहार हुआ। बिहार मांगे जवाब, तेजस्वी यादव, मां पिता का दो हिसाब। राजनीतिक संहार करने के लिए जनता तैयार है, उन मां बहनों के आंख के आंसू, जिनका आंख का आंसू के गुनाहगार आपके माँ पिता रहे हैं, जिन माँ बहनों की चित्कार की आवाज आज भी कानों में लोगों का गूंजता है, तो गुनाहगार कौन था, इस पर मौन क्यों है? तेजस्वी यादव, अब अंतिम चरण का चुनाव है, अपनी जुबान खोलिए, गुनाहगार कौन? वैसे नीरज कुमार का साफ कहना है कि लालू राबड़ी के शासनकाल में जो नरसंहार हुए हैं, तेजस्वी यादव उसके बारे में बोले, क्योंकि अब अंतिम चरण का चुनाव है। जिन 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है वहां 88 नरसंहार हुए, ऐसे में वहां की जनता जवाब मांग रही है। वैसे अब दिलचस्प होगा ये देखना कि तेजस्वी यादव इसका क्या जवाब देते हैं। वैसे जानकारी हो कि बिहार की 8 सीटों पर कुल 134 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 122 पुरुष और 12 महिलाएं शामिल हैं। 23 राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों के तथा 68 निलंबित दलों के एवं 43 निर्दलीय प्रत्याशी भाग आजमा रहे हैं। सबसे अधिक नालंदा में 29 और सबसे कम सासाराम में 10 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा के 8, कांग्रेस के 2, राजद के 3, जेडीयू के 2 और भाजपा के 5 और भाकपा माले के 3 उम्मीदवार हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।